नमस्कार, सुपर इंस्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये कहानी है एक स्कूल की, जो 12वीं तक के बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त है। बुलंदशहर के अनूप शहर कस्बे में एक बेहद खूबसूरत सपना साकार हो रहा है। ऐसा सपना जो वीरेन सिंह ने आज से 20 साल पहले देखा था। वीरेन सिंह 60 साल की उम्र पूरी कर चुके थे, लेकिन उन्हें अपने शो अप को लेकर किसी युवा जैसी ही जोश था। वीरेन सिंह मूल रूप से अनूप शहर के ही रहने वाले हैं। जवानी में वे अमेरिका चले गए थे और जीवन का ज़्यादातर समय उन्होंने वहीं गुजारा। 60 साल की उम्र जब वे रिटायर हुए तो बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। अमेरिका की एक चर्चित केमिकल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी वे अपनी जगह बना चुके थे और इतना पैसा कमा चुके थे आने वाली पीढ़ी भी यानी कि आराम से जीवन बिता सके। वीरेन सिंह बताते हैं, मैंने जब इतना सब कुछ हासिल किया था तो अमेरिका में मेरे कई विदेशी दोस्त मुझसे अक्सर कहते थे कि भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और यह करना बेहद ही ज़रूरी है। वीरेन सिंह ने अनूप शहर में एक अनोखा स्कूल शुरू किया। कुछ बच्चों की उपलब्धियों की उड़ान तो देश की सीमा तक पार कर चुकी हैं। दिलचस्प यह भी है कि ये सभी बच्चों के समाज के सबसे निचले तबले से आते हैं। बेहद गरीब परिवार की लड़कियों को ही इस स्कूल में दाखिला मिलता है। जिन लड़कियों ने कभी स्कूल की शक्ल तक भी नहीं देखी थी और जिनकी अमूनन 18 साल की उम्र से पहले ही शादी करवा दी जाती थी, वही लड़कियां आज इस स्कूल में पढ़कर अपने सपनों को पंख दे रही हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए वीरेन सिंह और उनकी टीम ने कई चुनौतियों का सामना किया। वीरेन सिंह बताते हैं कि स्कूल की शुरुआत 2000 में हुई थी। मेरे बेटों ने सुझाव दिया कि पुश्तैनी ज़मीन पर इस स्कूल का नाम परदादा परदादी स्कूल होना चाहिए। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया और हमने 2 कमरों से इस स्कूल की शुरुआत कर दी। वीरेन सिंह का साथ दिया भूटान से लौटे सेशन जोश ने। स्कूल शुरू तो हो गया, लेकिन शुरुआत में किसी भी गांव वाले ने अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजा। सेशन जोश याद करते हैं, उस दौर में सभी लोग हम पर शक करते थे। लोगों को लगता था कि वे विदेश से कोई पैसा वाला आया है और 2-4 दिन वादे करेगा और फिर लौट जाएगा। लेकिन हमने गांव वालों को बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार भी नहीं थे। हम कोई फीस भी नहीं मांग रहे थे। वे कह रहे थे कि आप 1-2 महीने अपने बच्चों को भेज कर देखिए, फिर भी अगर आपको ठीक ना लगे तो मत भेजिएगा। इसके बाद भी बच्चे आना शुरू नहीं हुए तो वीरेन सिंह और शशि जोश ने मिलकर नई रणनीति बनाई। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से वादा किया कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और भोजन भी दिया जाएगा और हर दिन स्कूल में आने पर 10 रुपये भी दिए जाएंगे। वीरेन सिंह बताते हैं कि यह इसकी काम कर गई। शुरुआत में लोगों ने पैसों के लालच में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। आगे चलकर इस स्कीम में कुछ मुश्किलें भी बढ़ी। हर दिन स्कूल आने के जो 10-10 रुपये बच्चों के खाते में जमा होते थे, वह जैसे ही 1-2 हज़ार रुपये की रकम हो जाती तो पैसे को निकाल लेते थे, फिर बच्चों को आगे स्कूल नहीं भेजते थे। तब इस रणनीति में बदलाव किए गए और तय हुआ कि अगर बच्चा दूसरे साल छोड़ देता है तो उसे पहले साल के पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यह तरीका भी जब कारगर नहीं हुआ तो
तो एक और बदलाव इस रणनीति में किया गया। अब तय हुआ कि बच्चों को यह पैसा अब दिया जाएगा जब वे 10वीं पास कर लेंगे। वीरेंद्र कहते हैं, लोगों ने यही मान लिया था कि चलो इस बहाने बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं और 10वीं पास होने तक उसके लिए एक राशि भी जुट रही है जो उसकी शादी में काम आ सकता है। उधर स्कूल में इन बच्चियों पर इतनी मेहनत की गई कि बच्चे खुद ही उच्च शिक्षा के सपने देखने लगे। दो कमरों से शुरू हुआ स्कूल एक मंजिला भवन में बदल गया और 30 एकड़ में फैल गया। सेशन जोश बताते हैं, स्कूल में हर बच्चे की पढ़ाई पर औसतन 39,000 रुपये सालाना खर्च होता है। यह पैसा ज़्यादातर अप्रवासी भारतीय देते हैं जिन्होंने इन बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया है। 12वीं तक के बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त है, लेकिन उनके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को खुद ही कुछ जिम्मेदारी लेनी होती है। 12वीं के बाद यहाँ के बच्चे देश और विदेश के अलग अलग कॉलेजों में जाने लगे हैं। इसके लिए भी इस स्कूल ने एक अनोखी योजना बनाई है। इन बच्चों की उच्च शिक्षा पर होने वाला खर्च परदादा परदादी स्कूल ही उठाता है, लेकिन यह खर्च अब लोन की तरह दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 1,30,000 रुपये हर साल इन बच्चों पर खर्च होता है। यह पैसा इन बच्चों पर इस वादे के साथ खर्च किया जाता है कि वे नौकरी लगने के बाद इसी स्कूल को वापस करेंगे, ताकि उनकी तरह ही अन्य लड़कियों भी इस पैसे से उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। वीरेंद्र सिंह कहते हैं, हमारी सैकड़ों लड़कियां उच्च शिक्षा पूरी करके अब नौकरी कर रही हैं। और मज़ेदार बात यह है कि 100% लड़कियों ने लोन का पैसा वापस कर दिया है। ये लड़कियां खुद बहुत जिम्मेदारी से इस बात को अब समझती हैं, जिस पैसे से उन्होंने अपने सपने पूरे किए वही पैसे उन जैसी कई लड़कियों के काम आएंगे। आज आसपास के 65 गांव की करीब 1600 लड़कियां पढ़ रही हैं। स्कूल की 17 बसें हैं जो इन लड़कियों को गांव-गांव ले जाने और छोड़ने जाती हैं। स्कूल में लगभग 120 लोगों का टीचिंग स्टाफ है और बच्चों को सिलाई बुनाई हुनर भी सिखाया जाता है। दिलचस्प यह है कि सब कुछ मदद के बगैर होता है। वीरेंद्र सिंह कहते हैं, यहाँ कई नेता आते हैं और स्कूल की तारीफ भी करते हैं। मुझे नेताओं या सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, उनकी तारीफ और ना ही उनका पैसा। अभी सिर्फ 50 बच्चे हर साल 12वीं पास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर साल कम से कम 500 बच्चे यहाँ से 12वीं पास करें। यह स्कूल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर भी चला रहा है, जिसमें आपस में गांव की 5,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। यहाँ विलेज प्रोडक्शन सेंटर भी खोले गए हैं, जहाँ लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। विदेशी सोली जैसी बड़े ब्रांड के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। बीते 7 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ने वाले कुसुम के पिता एक मजदूर हैं। वे कहते हैं, ये स्कूल नहीं होता तो हम अपनी बच्चियों को कभी नहीं पढ़ा पाते। आज मेरी बेटी जब अंग्रेजी बोलती है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसकी उम्र में गांव में अक्सर शादियां हो जाती हैं, लेकिन अब हम कुसुम की शादी के बारे में भी नहीं सोच रहे। स्कूल उसे आगे पढ़ाने की बात कर रहा है तो हम उसका पूरा साथ देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कदम बढ़ सके शिक्षा की ओर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।